मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के जेआर दानी गर्ल्स स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनु शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों और शासकीय अशासकीय स्कूलों में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों और किशोरों को कृमि नाशक दवा का सेवन कराया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर आज पूरे देश में कृमि मुक्ति हेतु दवाई खिलाकर शुभारंभ किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हम शुभारंभ कर रहे हैं। वैसे एक कृमि अभी के नहीं हैं, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो काफ़ी परेशानी होता था, उतनी दवाइयाँ उस प्रकार का आविष्कार नहीं हुआ था। अक्सर बच्चे अब हालांकि हाईटेक जमाना आ गया है, पहले तो छुई मिट्टी से पोताई होता था गांव में, तो उसी को बच्चे चाटते थे और पेट में गड़बड़ी वो कृमि हो जाता था। आजकल तो छुई मिट्टी मिलते ही नहीं है, डिस्टेम्पर को कहाँ से कुछ करेगा कोई। उसी प्रकार से ज़्यादा मीठा खाने से और कई ऐसे कारणों से मिट्टी खा लेते थे तो बच्चों में प्रवृत्ति होता है, तो आज भी कई ऐसे खाने पीने से भी कृमि होते हैं। और कृमि मुक्ति के लिए आज ये शुभारम्भ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसके कुछ बिंदु मैं बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज पूरे हमारे सभी जिलों में राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर आज शुभारम्भ कर रहे हैं, इसमें 1 से 19 वर्ष के। आज हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ कार्यक्रम का आपके इस विद्यालय से कर रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और इसके संदर्भ में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी विस्तार से बताए हैं, 1 से लेकर 19 वर्ष आयु के सभी बच्चों को एक कृमि मुक्ति के लिए ये टेबलेट खिलाना है और हमारी बेटियों को हम लोग यहाँ पर खिला के शुभारम्भ किए हैं। क्या नाम है टेबलेट का? एल्बेंडाजोल। और मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी से कि सब मिलकर इसको अभियान के रूप में चलाएं और कोई भी 1 से 19 साल के बच्चे छूटना नहीं चाहिए। 4 सितंबर आखिरी है, क्या क्या बोले, मापव दिवस, हाँ, तो उस दिन तक कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए सबकी जिम्मेदारी है, महिला बाल विकास के भी, स्वास्थ्य के भी, और हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कोई भी मतलब बच्चे इससे वंचित ना हो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से आप लोग पढ़िए बेटियां, आप सब लोग देश के भविष्य हैं। वैसे बेटों से बेटियां अच्छा कर रही हैं, पिछले काफ़ी समय से हम लोगों का आशीर्वाद है, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। खूब मन लगा के पढ़िए और अपने माता पिता के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।